दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने Redmi 5A डिवाइस में डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं, मैंने अपने Redmi 5A डिवाइस में डार्क मोड को इनेबल किया हुआ है। जिस वर्जन पे किया हुआ है वो वर्जन आप देख सकते हो 10.3.2.0, जो कि स्टेबल अपडेट का लेटेस्ट अपडेट है। अगर अभी तक आपने ये अपडेट इंस्टॉल नहीं किया तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई कि कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको नहीं मिला है उसका फुल रिव्यू भी मैंने बनाया हुआ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूं कैसे आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो और कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं होने वाला, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक करना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए यार बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो डार्क मोड है वो कहाँ कहाँ पर वर्क करता है और इसको इनेबल कैसे करना है, ये वीडियो के एंड में बता दूंगा। यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए तो इसमें आपको पूरा A to Z डार्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए तो सारी की सारी सेटिंग्स आपको डार्क देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम चलते हैं भाई अबाउट फोन में, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सब कुछ डार्क देखने को मिल जाएगा। बाकी आप कहीं पर भी क्लिक कर दो आपका कहीं पर भी वाइट नहीं खुलेगा। यहाँ पर कुछ जगह है जहाँ पर आपका वाइट खुलेगा, जहाँ पर डार्क है कि अभी तक डार्क जो मोड है इनमें नहीं आया, बाकी सारी जगह पर डार्क मोड आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जगह पर डार्क मोड सही तरह से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं पर डार्क मोड वर्क नहीं करता, लेकिन सारी ही जगह पर डार्क मोड सही तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो भी चीज़ ओपन कर रहा हूँ हर जगह पर डार्क मोड इनेबल्ड है, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर आप देख सकते हो A to Z जगह पर डार्क मोड इनेबल्ड है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा देखने में लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो A to Z डार्क मोड इनेबल्ड है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अब हम बात करते हैं भैया कुछ और चीज़ की। तो यहाँ पर आपको डार्क मोड इन सारी चीज़ों में तो देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको सभी सारी ही चीज़ में डार्क मोड देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार कुछ आपको कुछ इस तरह डार्क मोड डार्क देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको डायल पैड में भी डार्क मोड आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज में भी आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पर आपको जो MI का ब्राउजर है इसमें डार्क मोड देखने को मिलता है नहीं मिलता वो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके। तो इसमें कोई डार्क मोड भी, हाँ देख सकते हो फ्रेंड, इसमें भी आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ की। यहाँ पर आप देखते हैं क्रोम ब्राउजर में भी डार्क मोड इनेबल्ड है, जैसे कि आपने पहले देख ही लिया होगा, यहाँ पर भी आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सिक्योरिटी में भी डार्क मोड इनेबल्ड दिया है। और बाकी मैंने आपको बताया कि आप कैसे फाइल मैनेजर में डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से इसको सिंपली अपडेट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन हालांकि मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया हुआ है। बाकी हम चलते हैं म्यूज़िक में, तो म्यूज़िक वगैरह में हम देख लेते हैं डार्क देखने को मिलता है नहीं मिलता। आई होप कि शायद यहाँ पर भी आपको डार्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भैया सेलेक्ट हो जा, तो सेलेक्ट एग्री अलाउ, यहाँ पर भी आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। तो सारी जगह आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो फिर दोबारा यहाँ पर आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है सारी चीज़ में। थीम स्टोर में जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ डार्क वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली मैंने इसको इनेबल किया, कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ ऊपर कोई भी डार्क मोड का ऑप्शन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि MIUI 11 में आपको डार्क मोड देखने को मिल जाए। सिंपली आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक थीम का लिंक दूंगा, वो सिंपली आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप उस थीम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे कुछ इस तरह का डार्क इंटरफेस आपका हो जाएगा।
तो थीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो उस थीम को। और जैसे उस थीम को अप्लाई करोगे, आपका जो नॉर्मल MIUI 10 का थीम है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका MIUI डार्क मोड में। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो ऑफिशियल डार्क मोड है उसका भी काम ये है, वो एक तरह से थीम ही अप्लाई कर देता है, क्योंकि उसमें भी जो आपके स्टेटस बार वगैरह है सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल स्टॉक जैसे हो जाते हैं, तो एक तरह से वो थीम ही अप्लाई होता है। तो आप वेट करोगे उस चीज़ का, तो इससे तो आप इसी चीज़ को यूज़ कर लो। यहाँ पर आप जैसे तो पूरा डार्क आपको देखने को मिलता है, सारी चीज़ में आपको डार्क देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो थीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ये थीम मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आपको कैसे अच्छी लगी या ना लगी प्लीज़ लाइक करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जो करना। थीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।